नमस्कार, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी और मैं हूँ आपके साथ निशा। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। भागलपुर नगर निगम की नव निर्वाचित महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने नगर निगम कार्यालय में अपना पदभार ग्रहण कर लिया। इस दौरान नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर ने मेयर और डिप्टी मेयर के अलावा तमाम नवनिर्वाचित पार्षदों का निगम में स्वागत करते हुए आम लोगों की सुविधा के लिए साथ मिलकर काम करने का भरोसा जताया। वहीं नगर निगम में तमाम नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधि के साथ हुई बैठक में सबसे पहले एक दूसरे का परिचय लिया गया, जिसके बाद सभी ने मिलकर जनता द्वारा दिए गए दायित्वों का निर्वहन करने और शहर के विकास कार्य को आगे बढ़ाने की बात कही। बैठक में बारी बारी से सभी पार्षदों ने अपने अपने वार्ड की समस्या की चर्चा करते हुए कहा कि पहली बार जनता द्वारा सीधे मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव हुआ है और अब स्मार्ट सिटी भागलपुर में हर वार्ड में विकास कार्य दिखना चाहिए, जिसके लिए मेयर और डिप्टी मेयर समेत निगम प्रशासन के अधिकारियों का भी सहयोग आवश्यक है। इस दौरान कई बार निगम में अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर चुके पार्षदों के अलावा नए पार्षदों ने भी मजबूती से अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने सभी पार्षदों की बात सुनकर शहर का विकास करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता जताई और आम लोगों के लिए किए जाने वाले कार्य को धरातल पर दिखाने की बात कही। इधर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन ने कहा कि एक नई शुरुआत हुई है और अब भागलपुर का विकास करते हुए आम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखना ही उन सभी की जिम्मेदारी है, जिसे मेयर और नगर आयुक्त के नेतृत्व में नगर निगम की पूरी टीम मिलकर पूरा करने का प्रयास करेगी। इसके अलावा नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर ने नई रूपरेखा तैयार कर सभी का सुझाव और समस्याओं की जानकारी लेकर विकास कार्य करने की बात कही, जबकि नगर आयुक्त ने कहा कि कोई भी विकास कार्य या प्रोजेक्ट तय समय सीमा पर पूरा हो, यही प्राथमिकता सभी की होनी चाहिए। साथ ही कहा कि आपसी सामंजस्य बनाकर कार्य कराया जाएगा और इसकी नियमित मॉनिटरिंग भी होगी। मौके पर पार्षद डॉक्टर प्रीति शेखर, संजय सिन्हा, अश्वनी जोशी मोंटी, बबीता देवी, उमेश मंडल, संध्या गुप्ता, कुमकुम देवी, शांडली नंदिकेश समेत सभी 51 वार्ड के पार्षद और नगर निगम के कर्मी मौजूद रहे। आज देखिए, आप लोग जान रहे हैं चुनाव के बाद जो शपथ का कार्यक्रम था, शपथ कार्यक्रम संपन्न होने के पश्चात आज महापौर महोदया द्वारा और उप महापौर उनका जो है यहाँ पर ऑफिस का भ्रमण भी किया गया और सभी पार्षदों का भी एक जो है वो गैदरिंग है, यहाँ पर गेट टुगेदर है। लोग एक दूसरे से जो है अपना परिचय भी दे रहे हैं। तो ये शुरुआत है और हम लोगों को जो आगे का हम लोगों की जो उसकी वो रहेगी रूपरेखा, वो यही रहेगी कि सभी लोगों का बैठक होगा, बैठकों में सभी का सुझाव लिया जाएगा। स्पेशली जैसा अभी आपने सुना कि हर पार्षद का कुछ ना कुछ कहना है, हर वार्ड में कहीं ना कहीं कोई दिक्कत हो सकती है, तो हर वार्डों की समस्याओं को लेके उनको सामने रख के कैसे हम लोग जो है उसमें कार्य करें और जो भी काम हो वो टाइम बाउंड हो। फिर हम लोग बैठेंगे और जिस दिन बैठेंगे उसी दिन हम लोग मीटिंग करेंगे और जितनी भी प्रक्रियाएं हैं मीटिंग की वो सारी पूरी करेंगे। उसमें हमारे महापौर रहेंगे, नगर आयुक्त साहब रहेंगे और हमारे जितने भी पार्षद हैं सब लोग रहेंगे। भागलपुर जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें डालसा के सचिव ज्योति कुमारी ने वर्ष 2023 के पहले राष्ट्रीय लोक अदालत की तैयारी को लेकर जानकारी दी। इस दौरान डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि 11 फरवरी 2023 को भागलपुर व्यवहार न्यायालय परिसर में डालसा की ओर से राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार और राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है और इसके लिए भागलपुर, नवगछिया और कहलगांव कोर्ट परिसर में बेंच तैयार किया जाएगा। सचिव ज्योति कुमारी ने कहा कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में बैंक, बिजली, श्रम, पारिवारिक विवाद, विवाह संबंधी विवाद, भूमि अधिग्रहण के मामले, दीवानी मामले, मोटर दुर्घटनावाद, आपराधिक शमनीय मामले और सुलहनी लंबित विवादों की सुनवाई निःशुल्क की जाएगी। उन्होंने कहा कि इसमें किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती है और न्यायिक पदाधिकारी की मौजूदगी दोनों पक्ष की आपसी सहमति से मामलों का निष्पादन किया जाता है। इस साल 2023 में 4 लोक अदालत है, जिसमें से पहली लोक अदालत 11 फरवरी 2023 को है और इसके लिए नोटिसेस शुरू हो गई हैं, सारे कोर्ट से नोटिस जा रहे हैं। प्री लिटिगेशन, पोस्ट लिटिगेशन केसेज सब में नोटिस जा रहा है और
ज्यादा ज्यादा डिस्पोजल हो, यही उम्मीद करती हूँ। ठंड बढ़ने के बाद से ही चोरी, लूट, हत्या जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। ताजा मामला भागलपुर के मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां ज्वेलरी शॉप से चोरी करने का प्रयास किया गया। बताया जा रहा है कि नूरपुर बीआरसी के समीप पंजाब नेशनल बैंक के बगल में अज्ञात चोरों द्वारा ज्वेलरी शॉप के शटर का ताला गैस कटर से काट कर चोरी की घटना को अंजाम देने का प्रयास किया गया। वहीं इस दौरान चोरों ने शटर का एक ताला तो काट दिया, लेकिन दूसरा ताला नहीं काट सके, जिससे उनके मंसूबे पर पानी फिर गया। इसको लेकर दुकान संचालक राजेश कुमार ने बताया कि चोर द्वारा दूसरा ताला नहीं कर सका, जिससे उनके दुकान में चोरी होने से बच गई। साथ ही कहा कि 5 दिन पूर्व चोरों द्वारा मधुसूदनपुर के करेला में दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक लूटने का प्रयास किया गया था, जो गृह स्वामी की नींद खुल जाने के कारण लूट की घटना को अंजाम देने में असफल रहे थे। वहीं इस मामले में सीसीटीवी फुटेज भी सामने आई है, जिसमें कुछ लोग शटर को तोड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं, जबकि इसकी जानकारी मधुसूदनपुर थाना पुलिस को मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सीसीटीवी फुटेज की मदद से मामले की जांच में जुट गई है। दुकान का ताला तोड़ दिया। किस चीज का दुकान है? किस चीज का? कटर लेकर कटा हुआ है, लाइट वाला कटर था। किस चीज का दुकान है? सोना दुकान है। कहाँ पे? नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास। अब तो चला एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए सिल्क टीवी। मेरा नाम अशफाक अहमद है, घर मेरा डरिया बिलार है, पोस्ट करबुड़ी ग्राम, जिला समस्तीपुर, थाना समस्तीपुर, और वार्ड में मेरा वार्ड नंबर मेरा 15 है। हमको बहुत पहले से चीनी था, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आ रहा था कि मेरे पास चीनी है, तो एकाएक हम चक्कर खा के गिर गए। उस वक्त में मेरा 450 से ऊपर मेरा चीनी था, तो नापा गया चीनी तो 530 या 533 मेरा चीनी था। तो हमको आईसीयू में लोग ले जा करके भर्ती करा दिया, वहाँ निकल गया कि इनको चीनी है, तो उस वक्त चीनी मेरा था 530। तो इलाज हुआ तो इंसुलिन पड़ता था सुबह शाम, तो वहाँ 5 दिन आईसीयू में भर्ती रहे। उसके बाद डॉक्टर ने वहाँ से नाम काट दिया, तो दवा लिख दिया, अंग्रेजी दवा, दवा का नाम है ग्लाइकोमेट GP24। एक डेली सुबह में खाते थे, लेकिन खाने के बाद हमको नुकसान बहुत हुआ कि आँख की रोशनी चली गई। तो अब ठीक हो जाइएगा, तो दवा खाते हुए ही अंग्रेजी दवा जब खाना शुरू किए तो आँख की रोशनी चली गई। अब सोचे हम, एक तो डायबिटीज़ हो गया, दूसरा नंबर की मेरी आँख की रोशनी चली गई, अब हम करें तो क्या करें। लेकिन आयुर्वेदिक दवा देते हैं डायबिटीज़ का, तो इनसे मिले हम, तो 6 महीना हम दवा इनका खाएँ हम, तो मेरा चीनी अभी जो है मात्र 127 है। खाना खाने के बाद चावल रोटी खाना खाने के बाद टेस्ट किया गया तो 127 है ये। हाँ, तो अब जो दवा है मेरा 6 महीना खाने के बाद मेरा दवा अब बंद हो गया है। कितना दिन से आपका दवा बंद है यहाँ से? 1 महीना से दवा मेरा बंद है, आयुर्वेदिक दवा मेरा 1 महीना से बंद है। उसके बाद भी चेक किया गया तो मात्र 127 मेरा आया। पहले से अभी कैसा महसूस हो रहा है? पहले से बहुत फिट है हम, चलने फिरने में भी ठीक है। पहले 10 कदम चलते थे तो दम फूल जाता था। आँख की रोशनी अभी कैसा है? आँख की रोशनी फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत पहले से अच्छा है। और ये दवा खाने से हमको बहुत फ़ायदा है, एक तो चीनी मेरा ख़त्म हो गया और आँख की रोशनी मेरी ठीक है अभी। मैं पार्वती देवी, मेरा उम्र 37 वर्ष है, और मेरा फीवर आया था 4 महीना पहले, तो उस समय दिखाए डॉक्टर के पास, तो मेरा थी बोले शुगर जांच कराइए, शुगर जांच कराए तो मेरा 350 था, तो फिर मेरा दवा भी चलने लगा शुगर का। उसके बाद 1.5-2 महीना के बाद यहाँ पता चला कि डॉक्टर है वहाँ दिखाइए, तो दिखाए वहाँ तो मेरा 4 महीना दवा चला तो मेरा शुगर एकदम कंट्रोल है, ठीक है। अभी 1 महीना से मेरा दवा बंद है और शुगर जांच कराए तो मेरा 100 आया, और हम सब चीज खा पी रहे हैं और ठीक ठाक हैं।
ब्रेक के बाद फिर से एक बार आपका स्वागत है। बढ़ते अब अगली खबर की ओर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की सचिव ज्योति कुमारी मंथली विजिट को लेकर सोमवार को भागलपुर सेंट्रल जेल विशेष केंद्रीय कारा और महिला कारा पहुंची, जहां डालसा सचिव ने जेल अधीक्षक के साथ वहां बंद कैदियों से मिलकर कानूनी मदद से संबंधित कई तरह की जानकारी ली। इस दौरान डालसा सचिव ज्योति कुमारी ने कैदियों को हर तरह की कानूनी मदद नालसा के निर्देश पर मुहैया कराने और सभी को अपने कानूनी अधिकार की जानकारी के लिए जागरूक होने की बात कही। वहीं बारी बारी से तीनों जेल का भ्रमण कर डालसा सचिव ने जेल अधीक्षक से भी कैदियों से संबंधित कई जानकारी ली और जागरूकता अभियान के माध्यम से सभी लोगों तक अधिकारों की जानकारी पहुंचाने की बात कही। मौके पर जेल अधीक्षक और कोर्ट कर्मी के अलावा कई लोग मौजूद रहे। बैंक ऑफ इंडिया कहलगांव शाखा द्वारा ग्राहक आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बैंक ऑफ इंडिया भागलपुर अंचल के आंचलिक प्रबंधक राजेश कुमार ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान आंचलिक प्रबंधक ने विस्तार से बैंक ऑफ इंडिया के अलग अलग स्कीम के बारे में जानकारी साझा करते हुए बताया कि वर्तमान में व्यापारियों, सरकारी कर्मचारियों, पेंशनधारकों, डॉक्टर एवं किसानों के लिए कई अलग अलग स्कीम है, जिसके अंतर्गत काफी कम ब्याज दर एवं आकर्षक सुविधाओं के लोन उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि सरकारी वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए भी नई एवं आकर्षक सैलरी अकाउंट स्कीम है, जिसमें 1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा बिना किसी अतिरिक्त शुल्क पर बैंक द्वारा दिया जा रहा है। इसके अलावा कार्यक्रम को शाखा प्रबंधक दिवाकर कुमार ने भी ग्राहकों को संबोधित किया। मौके पर बैंक अधिकारी और कर्मी समेत काफी संख्या में ग्राहक मौजूद रहे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।